नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां मांग पूरी न होने से नाराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने रियायोस कार्यालय पर अनिश्चितकाल धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जनपद के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निस्तारण की मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को 21 जून को सौंप कर अवगत करा दिया गया था, लेकिन समस्याओं का निस्तारण न होने के कारण कार्यवाहक जिलाध्यक्ष जामवंत निषाद की अध्यक्षता में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं। आज तीसरे दिन धरने को संबोधित करते हुए कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जामवंत निषाद ने कहा कि मांगों का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक धरना चलता रहेगा। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए और उन्होंने आप सुनिए। जन्म सिंह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का संरक्षक हूँ और एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ में रहकर अध्यापकों के संघर्षों को हमने संचालित किया है, उसको झेला है और उसके लिए हमने त्याग और बलिदान करके अध्यापकों की जो सुविधाएं थी उनकी जो राहत थी उसको दिलाने का प्रयास किया। लेकिन समय बीतता गया और अधिकारियों में पैसा कमाने का ये जो लोभ है यह एक जो है विचित्र सा एक संस्कृति पैदा हो गई है। हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक जो है यहाँ पर दो एसोसिएट हैं और दोनों एसोसिएटों में ये जूनियर है, ये भ्रष्टाचार के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक बना हुआ है, सीनियर जो है वो बैठा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये बैठ करके क्यों इतना जो है अनधिकृत रूप से कमा रहा है। और इस दफ्तर में एक अवधेश बाबू है, वह यहाँ के बाबू है ही नहीं है, वह जो है दूसरे विभाग के बाबू हैं, दूसरे जगह के, उनको रख करके केवल वह दलाली करने के लिए माहिर हैं और लोगों से पैसा लेकर के गलत सलत आदेश निकलवाते हैं, करते हैं और पैसा कमाते हैं और कमवाते हैं। यह स्थिति एक बहुत भयंकर रूप ले चुकी है। हमारे जो 21 सूत्री मांग दिया गया है उसमें केवल उन अध्यापकों की समस्याएं हैं जिनका कहीं वेतन बाधित है, कहीं उनका जो है चयन वेतन मान बाकी है, कहीं प्रोन्नत वेतन मान बाकी है, कहीं उनकी जो है प्रोन्नत बाकी है। ये सारे के सारे समस्या एक लंबे समय से ढेर पड़ती चली गई और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ नेतृत्व में श्री पंकज सिंह जिला मंत्री ने इसको बहुत दिन से मांग करते 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 जब ये असहाय सा हो गए कि अब ये सुनने वाले नहीं, तब उन्होंने सत्याग्रह का रूप दिया और सत्याग्रह के लिए बैठे हुए। ये सत्याग्रह को हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक जो है ये आज के युग में हल्का समझ रहा है। ये नहीं समझता किसी सत्याग्रह से देश आजाद हुआ है, इसी सत्याग्रह के कार्यक्रम से गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से भगा दिया और यह सत्याग्रह इनके उपसर पर एक बहुत बड़ा हथौड़ा बन जाएगा इनके लिए जीवन में। प्रारंभ में इन्होंने शुरू किया कि हम पैसा कमा करके राजा हो जाएंगे, ये इनके लिए बहुत अभिशाप बन जाएगा। और मैं अपने जनपद के सारे अधिकारियों से, बैठे हुए सारे सदस्यों से, जो इतने दिन से धूप में बैठ करके सत्याग्रह पर अपना समय दे रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि 3 दिन बीत गया और यह 3 दिन की संस्कृत हमारे जो है पूर्वज पुराने काल से कहा गया है कि बिना न मानत जलत जड़ कहे 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सदा ये बिन होत बिन भय होत न प्रीत। मैं अबरार अहमद, मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट। मांग यह है कि तमाम शिक्षक की समस्याएं हैं, उसमें एनपीएस भी सही है लेकिन तमाम वेतन भुगतान वो एरियर है और ये जो बहुत चीजें हैं दी हुई है, कई मुख्य सूत्री मांग है, मांग दी हुई है। और हमारे पूर्व के जिला विद्यालय तो के ये तो रोज ये तो बेदबूत का बच्चा जिलाने वाले डीआई साहब है, कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा और ये है वो है टाल रहे हैं, खाली इनके पास समय नहीं है, खाली बस वहाँ पर जो है घेर घेराव दलालों का काल, वो कोई समय इनके पास सुनने के लिए नहीं है। आज 3 दिन हो चुका है और मैं डीआई साहब को इस माध्यम से, धने के माध्यम से अनुरोध भी करूंगा और चेतावनी भी दूंगा कि ले रहा हूँ कि इसको हल्के में न ले, हमारी मांग पत्र दिया हुआ, हमारा मांग पत्र उसको देखें,
सीरियल नंबर से जो होने लायक है उसका करें, जो नहीं होने लायक है उसका हमको वो बताएं क्यों नहीं होने लायक है ताकि हो। ये पेंडिंग पॉलिसी रखना ये अच्छी चीज नहीं है, ये भ्रष्टाचार का है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि सीधे हैं लेकिन तरीक बल में गाय भी गाबिन भैयो गाबिन ये वो अच्छे नहीं है। सीनियर को रहते हुए जूनियर को प्रधानाचार्य का पद दिया जाना, दो आदमी निलंबित हो रहे हैं किसी आरोप में, एक को बहाल करना एक को बहाल न करना किया जाना, तो ये सब चीजें अनियमताएं हैं। ये मतलब ये है कि अच्छी चीज नहीं है, किसी का दबाव पड़ेगा इसको बहाल कर देंगे, किसी को दबाव नहीं पड़ेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी मांग पत्र दिया गया हमारा मांग पत्र उसका अक्षरशा नियमानुसार उसका जो है हमको जवाब मिले लिखित, और जो होने लायक हो दे, जो ना होने लायक है उसका तर्क संगत हमको वो दे ताकि हम अपने लोगों को बता सके, उस पर मंथन कर सके और जो बेचारे भटक रहे हैं उनको एक तसल्ली हो।